मैं तो बहुत परेशान हो रही है, बच्चे गिर जाते हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, सरकार के होते हुए हम परेशान हैं। सरकार परिवर्तन आएगा तभी काम होएगा। हाँ। बिना परिवर्तन के तो कोई काम होता ही नहीं। बाकी और अदर गलियां सब बन चुकी हैं। मोहित दीन आज़ाद और आप देख रहे हैं NIN। आप सभी दर्शकों का NIN में स्वागत है। दिल्ली में MCD का चुनाव होने जा रहा है। अगले महीने 7 तारीख का इसका रिजल्ट आने वाला है और 4 तारीख का इलेक्शन पड़ने वाले हैं। मैं दिल्ली MCD इलेक्शन के कवर कर रहा हूं। आज मैं कवर करते हुए आ गया हूं वज़ीराबाद में। वज़ीराबाद की गलियां टूटी फूटी हैं। एक हमारे साहब पानी लिए हुए हैं। ज़रा सोचिए कि ये पानी कंधे पर रहकर किस तरह लोगों को पानी पिलाते होंगे। हालांकि सरकार का भी कहना है कि हम पानी सड़क नाली के लिए पूरा सुविधा कर रखे हैं। जिस जगह हम खड़े हैं सेंटर में अगर देखा जाए तो BJP की सरकार है, और अगर स्टेट में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब देखना ये है कि इन दोनों में किसकी बाजी लगती है, या फिर यहाँ के लोग अपना दूसरा विकल्प ले रखे हैं। यहीं पर मैं रिपोर्ट कर रहा था, एक भाई जो है पानी लेकर वो जा रहे थे। मैं इनसे पूछूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि पानी पहुँचाने में, लोगों को पानी पिलाने में कितनी दिक्कत हो रही है। भाई, आप इस गलियों में जाते हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? भाई, दो बार तो पैर में मोच आ गई। दो बार गिरते फिरते ही आते हैं यहाँ से पानी लेके, कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा बहुत दिक्कत होती है कि कंधे दुख जाते हैं, बहुत घूमा हाथ पांव कट जाते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं तो आप हमेशा कैसे नेताओं को चुनते हैं? जो ये बहुत टाइम से, जितना टाइम से ये इन्होंने खराब मतलब बनाया है, तोड़ के गए थे तो इन्होंने कहा था कि हम बहुत टाइम जल्दी इसको कवर कर देंगे, मगर इन्होंने अभी तक ये कम से कम 5 महीने हो गए हैं इसको रोड को। यदि आप रोड की हालत देख सकते हो, यहाँ से बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारे स्कूल भी दूर है, यहाँ से बच्चे निकल नहीं सकते। बच्चों को कभी कुछ लग जाता है, कभी कुछ लग जाता है, तो यहाँ पे कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे पानी के अंदर पानी भर जाता है तो डेंगू मच्छर, आप कहते हो डेंगू भगाओ, ये सब कुछ नारा लगा रहे हो आप, ये डेंगू मच्छर, यहाँ पे कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, बच्चे घरों में रहते हैं तो इसमें डेंगू वगैरह पैदा हो रहे हैं। तो ये इस चीज का क्या इलाज है? और ये सब कूड़ा कचरा यहाँ पे फेंक रखा है इन्होंने, लोग बाबू ने। अब ये इसका कुछ, ये कूड़ा है और ये गलियां हैं। आपको मैं दिखा दूं कि इधर कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा, इधर आ जाए। ये पुश्ता है जो रोड जाता है बाकायदा वज़ीराबाद बस स्टॉप की तरफ निकलता है। थोड़ी 100 मीटर की दूरी पर ये रास्ता है और आप देख लीजिए कि इसकी हालत क्या है। लोग बच्चे कैसे स्कूल जाते होंगे, महिलाएं कैसे सामान लेने जाती होंगी, और यहाँ के बुजुर्ग कैसे अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जाते होंगे। अगर देख लिया जाए तो फिर ये कहने का मतलब ये हुआ कि सरकारें जो हैं सिर्फ आश्वासन देती हैं और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ के लोग इस तरह पर कहने के परेशान हैं कि ये नलियाँ सिर्फ खोद के तोड़ दी गई हैं और बिल्कुल इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी कुछ जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव आ गया है, जिसको लेकर सरकारें जो है थोड़ा सीवर का काम करना शुरू कर रही हैं। बाकी दिनों से 5 साल से पूरी सरकार दोनों की दोनों सोई हुई थी। एक यहाँ पर एक महिला है, हम उनसे जानेंगे कि बच्चों के तई। हाँ, बताइए क्या परेशानी हो रही है आपको? हमें तो बहुत परेशान हो रही है, बच्चे गिर जाते हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं, सरकार के होते हुए हम परेशान हैं। डेंगू का खतरा है, डेंगू बुखार भी हो सकता है, वैसे हो भी रहा है बुखार डेंगू, और बच्चों का गिर जाते हैं नाली के अंदर, कैसे निकले कैसे जाएं, बिल्कुल सरकार सुनवाई नहीं कर रही। कितनी बार हमने एप्लीकेशन डाल दी। तो इलेक्शन इस बार आ गया है, इससे पहले आप लोगों ने BJP आम आदमी पार्टी सब कुछ चुना, क्या इस बार दूसरा कुछ परिवर्तन लाने की सोच रखा आप लोगों ने सरकार के लिए? परिवर्तन तो आना चाहिए, ये भी सरकार कुछ परिवर्तन आएगा तभी काम होएगा। हाँ। बिना परिवर्तन के तो कोई काम होता ही नहीं है। देख लीजिए, ये एक बुजुर्ग हैं जो इन्हीं नाली और इन्हीं सड़कों में गिरी हुई हैं, और इनको इनका हाथ टूट गया। कैसे टूटा आपका हाथ? यहाँ से जा रही थी और टूट गिर गई थी। अच्छा, इधर से जा रही थी और गिर गई, हाथ टूट गया। कितने साल से रह रही यहाँ पे? 18 साल से। और आज 18 साल के बाद भी रास्ता वैसे ही अभी है। हाँ। तो इस बार देख लीजिए, अभी ऐसे लोगों को चुनिएगा, बहुत सारे लोग आपको वोट लेने आएंगे, उस वोट में लेने के साथ साथ आप कहिए चुनेंगे। हाँ, जो भी काम करेगा उसको चुनेंगे। हमें तो काम से मतलब है, सरकार से मतलब थोड़ा ही है, सरकार कोई भी आए हमें काम चाहिए। काम तो करने नहीं सरकार, फिर हम वोट कैसे दे देंगे? हम तो देंगे नहीं सरकार को वोट। हमारे वज़ीराबाद में सबने कर लिया है,
कैसे सरकार को हम वोट नहीं देंगे, जो काम करता करेगा उसको देंगे। इस गली के अंदर कितनी एप्लीकेशन डाली गई हैं? कितनी एप्लीकेशन डाली गई हैं? कोई कभी कोई नेता बनकर आता है, कभी कोई नेता बनकर आता है, कभी वीडियो दिखाता है कि हाँ जी हम अब करवा देंगे, अब करवा देंगे, अब करवा देंगे, मगर इतना टाइम हो गया, 5-6 महीने से ऊपर हो चुका है, इस रोड पे बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही। बाकी अदरवाइज जितने भी इधर उधर के इलाके हैं, कोई सी भी गली मोहल्ले ले लो आप, सारे संगम विहार ले लो, सब जगह डेवलप हो रही है, हर चीज डेवलप हो रही है, मगर ये चीजें डेवलप नहीं हो रही। जो चीज़ जो गली जैसी बनी हुई है वैसी की वैसी ही है। यहाँ पे हर गली के अंदर नेता बनकर आता है कि हम यह काम करा देंगे, ये वाला काम होगा, ये वाला काम होगा, हर चीज़ करा देंगे, मगर फिर उसके बाद वो फिर गायब हो जाता है, कुछ नहीं होता। दिलीप पांडे भी यहाँ पर आया था, देख के गए थे, मगर वो कुछ नहीं करा, उन्होंने देखने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं करा। बाकी और अदर गलियाँ सब बन चुकी हैं, मगर ये ऐसा एक रोड है जहाँ से पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक का पूरा रोड है, मगर यहाँ पे कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही। तो वजह क्या है इस गली को छोड़ने की, खास वजह क्या है? ये मुस्लिम बहुमूल है, अक्सर ये कहा जाता है मुस्लिम बहुमूल इलाके में गंदगी ज़्यादा होती है, उसकी वजह क्या होती है? या ये लोग खुद करते हैं या सरकार उसकी तरफ तवज्जो नहीं देती है? ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को जो है, जहाँ मुस्लिम बहुमूल्य लोग बसते हैं, सिर्फ वोट और अधिकार के तौर पर उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। वही चीज़ें आज नज़र आ रही है, जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम जहाँ इलाके वहाँ हो गए, यहाँ पर विधायक भी जी आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, एप्लीकेशन भी दिया जा चुका है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें अब तब्दीली लाने की ज़रूरत है और वक्त भी है कि आप लोग अच्छे नेताओं को चुने जो आपके विकास कर सके, सिर्फ वादे ना करें बल्कि वादे करने के साथ साथ उस पर अमल भी करें। देखिए एक साहब और आगे हैं, उनसे बात करें। कब से यहाँ पर हैं? कब से गलियाँ से टूटी फूटी पड़ी? ये तो सर कम से कम ये तो दो साल हो गए से इसे तोड़ के पड़ी हुई है। एक सवा साल तोड़े हुए हो गया गली के, और इसी में आप लोग चलते हैं। दिक्कत आ रही सर, देखो सर बिल्डिंग में बैठ रहे हैं आप, देख रहे हो सर, सब पानी देखो, मच्छर बहुत है, बहुत ज्यादा सर। मच्छर के लिए तो एक बाकायदा अभियान चलाया जाता है, अभियान चलाया जाता है, और उसकी बहुत सारी अभियान चलाने के साथ साथ मुख्यमंत्री जी भी अभियान चलाने का आह्वान किए हैं। तो क्या लगता है यहाँ पे मच्छर ज्यादा पैदा होते हैं? बहुत ज्यादा सर, बुरा हाल है, निकल नहीं सकते, गंदगियाँ भी ज्यादा हैं। कैसे आप लोग यहाँ रहे, किस बीच में कैसे रहते हैं यहाँ पे? गलियों में कोई नहीं जाते, इसमें देखो पानी भरे पड़े, बच्चे गिर रहे हैं पानी में, बहुत दिक्कत आ रही सर। अब एक बार मैं आप लोगों को और दिखा देता हूँ कि ये नलियाँ, ये सड़कें, ये टूटी पड़ी हैं। कहना ये है कि यहाँ पर 5 सालों के बाद में कोई भी विधायक या कोई भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जिम्मेदार या अधिकारी नहीं आया है। अब जरा सोचिए कि इस गली में चलना किसकर दुश्वार होगा, और ये हम लोग किसको वोट दें? लोग इस काम को देखकर इतना बज़न हो गए हैं, उनका कहना है कि हम इस बार किसी को वोट नहीं देंगे। आखिर ये लोगों के जहन में ये चीज़ें पैदा क्यों होती हैं? और जिसके लिए ये आवाम उनको नेता बनाती है, वही नेता आवाम के दुख दर्द को भूल जाते हैं। फिर मिलेंगे किसी खास मेहमान और किसी खास इलाके के साथ। मैं हूँ मोहिद्दीन आज़ाद, नई आवाज़, नई परवाज़।